जो सैंपल्स ऑस्ट्रिया में भेजे वो बहुत ही कीमती पाए गए हैं। सिलेनियम और जिंक का रेट बहुत ही ज्यादा है हमारे प्रोडक्शन में। क्यों, क्या हम पर्ल्स उगा रहे हैं? हम भी वही सीड उगा रहे हैं जो हम पहले उगाते थे। हाँ, ये इस एरिया की खासियत है और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और आप इन सब के बॉस हैं। हाँ। और फॉरेन बायर्स ने तो इसमें बहुत इंटरेस्ट दिखाया है। इनकी डिमांड जल्द ही बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। ये ऑयल बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है पापा। क्या? अगर हमें पंपकिन ऑयल सीड में ही इन्वेस्ट करना था तो ऑलिव ऑयल में एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पंपकिन हमारा कोर बिजनेस है। क्या इसी तरह हमने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया है? ऐसे बकवास आइडियाज पता नहीं कहां से उठा कर ले आते हो। जब देखो आप मुझे डांटते रहते हैं। पंपकिन सीड ऑयल का बिजनेस तो संभाल नहीं पाए, ऑलिव ऑयल का बिजनेस करने चले हैं। मिस्टर कोलुदा, इसकी रिसर्च का आइडिया सुहान का था और उसकी प्रेडिक्शन हमेशा सच होती है। तो अब तुम हमेशा सुहान का नाम लेकर सारे काम करोगे हैं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें बहुत ही कम टाइम में अपनी सारी इन्वेस्टमेंट का डबल अमाउंट मिलेगा। वैसे ये इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है हमारे ब्रांड के लिए, ऐसा सुहान ने बोला है मुझे पापा। हाँ, ये बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट है। मेरे लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा मेरे ग्रैंड किड्स। आप फिर से वही बात बोल रहे हैं। इस सब बकवास के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। पहले वो करो जो इम्पोर्टेंट है, वो भी जल्दी। जैसा तुम कहो मिस्टर तासिन कोलुदाग। पंपकिन सीड्स माय फुट। एक स्टेप आगे बढ़ाने के बजाय 2 स्टेप्स पीछे होते जा रहे हैं हर बार। हाँ, कुछ पैसे बनेंगे, बिजनेस बंद करना पड़ेगा। पापा प्लीज शांत हो जाइए। ये थी तुम्हारी खुशखबरी? उसके साथ मिलकर बकवास आइडियाज डिस्कस करते रहते हो, कुछ समझाओ उस बेवकूफ। ये नहीं थी खुशखबरी। जब आप शांत होंगे तभी तो मैं आपको बता पाऊंगा ना। आपको वो जमीन याद है जो आपने कहा था कि बिल्कुल बेकार है? हाँ। मैंने उसे बेच दिया है, बहुत अच्छी कीमत मिली है हमें। ये क्या किया तुमने? अरे वो बकवास जगह, आपने कहा था वो एक गंदगी का ढेर है, मैंने बेच दिया उसे, तो सही किया ना? वो तो मैंने जानबूझकर कहा था, तुम्हें बेचने के लिए किसने कहा? लेकिन आपने ही तो कहा था कि वो जगह बेकार है, इसलिए तो मैंने उसे बेच दिया पापा। स्टूपिड उल्लू का पट्टा। मैंने उसे इसलिए नहीं बेचा था कि फाइनेंस इकट्ठा करके वहाँ एक होटल बनवा सकूं। तो आपने पहले क्यों नहीं कहा पापा? किसे बेचा तुमने? उसका नाम है। एक काम भी ढंग से नहीं कर पाते हो बेवकूफ, किसे बेची तुमने? पापा मुझे नहीं पता, उसने वो एक लॉयर के थ्रू खरीदा था, उसका नाम डीड पर लिखा हुआ है। मुझे वो जमीन वापस चाहिए, किसी भी कीमत पर। तुम्हें वो वापस लानी होगी और वो भी अभी। जाओ, चले दो। से बोल दिया है वो तुम्हारे लिए गाड़ी भेज रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जगह बनने तक मैं तुम्हारे कहीं रहने का इंतजाम करवा देता हूँ। नहीं नहीं, मैं यहीं रहूंगा। सोच लो, बहुत सारा काम बचा हुआ है। मैं इनसे भी खराब जगहों पर काम कर चुका हूँ और ये आप जानते हैं, मैं सब संभाल लूंगा। बिल्कुल अपने पिता की तरह हो, जितने ढीठ वो थे उतने तुम भी। मैं इसे अपनी तारीफ ही समझूंगा। पता है वो अपनी लड़ाई क्यों हारे थे? क्योंकि वो समझ गए थे कि अपने आप के दर्द को हराना एक बहुत मुश्किल काम है। देखो, तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हो, इसलिए मेरा काम है। मैं यहाँ मेरे पापा की जिंदगी उस चोर से छीनने आया हूँ और वो मैं छीन के ही रहूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुसीबत छोटी है, बल्कि तुम मुसीबत के पहाड़ के बीच में हो। मैं उससे उसका सब कुछ छीन लूंगा। असल में मैं उसे छीनूंगा नहीं। तासीन को रुदा अपने आप ही मुझे अपना सब कुछ दे देगा। हाय पापा। अब मुझे लग रहा है कि मैं घर आया हूँ। आ जा मेरी बच्ची। वेलकम बैक प्रिंसेस, मेरी प्यारी प्रिंसेस। स्वागत है।
क्या हुआ, आज तुम काम पर नहीं गई? मैं वर्कशॉप से आई हूँ, वहाँ से जल्दी निकला है बस आपसे मिलने के लिए। पापा कोरहान कहाँ है? वो तुम्हारे फ्यूचर को बचाने गया है। क्या मतलब? मतलब अगर उसने अपनी गंदगी खुद साफ नहीं की तो जो उसका छोटा सा हिस्सा इस कंपनी के शेयर्स में है मैं वो सब वापस ले लूंगा। गुस्से में लग रहे हैं। उन्हें अपने प्लान्स मुझे बताने चाहिए, मुझे क्या पता उनके दिमाग में क्या चल रहा है। हेलो चायदे, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता, मैं बाद में कॉल करता हूँ। पर हुआ क्या? चायदे प्लीज बाद में बात करते हैं, मेरी बात मानो, अभी फोन रखो। इस तरह से कौन बिहेव करता है? सब ठीक हो जाएगा, शांत हो जाओ। क्या करूं? सुनो, हेलो, मैं हूं कोरहान कोरुदाग। अरे वाह, मैं सभी घर वालों से एक एक करके मिल रहा हूँ। अच्छा, हेलो, कैसे हो? मैं हूँ ब्यूलन तैदिमदास। मिलके खुशी हुई, मेरा नाम सीजर है। अरे हाँ हाँ, सीजर एलंदार, मैंने डीट पर देखा था, इसका नाम बहुत ही अजीब है। मुझे लगता है कि आप मेरी हाउस वार्मिंग के लिए तो यहाँ बिल्कुल नहीं आए हैं, है ना? हाँ सही कह रहे हो तुम, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। एक्चुअली हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये लैंड मेरे पापा ने किसी और को बेच दिया है और अब मुझे तुमसे ये वापस चाहिए। तो फिर? हाँ, ये गलती सुधारने के लिए हम तुम्हारे पूरे पैसे वापस करेंगे, जितने लिए हैं उतने पूरे। हाँ, और फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर हम इसे नहीं बेचेंगे। ठीक है, तो फिर जैसा आप चाहें। ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। बात यह है कि मेरे पापा ने यह जमीन पहले से ही किसी को बेच दी है, ठीक है, और उसका पैसा भी मिल चुका है और मुझे इसके बारे में नहीं पता था, इसलिए। दरअसल मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस पैसे का क्या हुआ। देखिए बात को समझिए, आपको आपके पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे। हाँ हाँ, सच में यार, तुम कोई बच्चे हो क्या? मैं पहले इस लैंड के पैसे दे चुका हूँ और अब तुम मुझसे एक ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहे हो जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है और जिसे मैं जानता तक नहीं हूँ। इसलिए अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठो और जाओ यहाँ से। देखो मैं कह रहा हूँ कि ये सेल अभी वैलिड नहीं है, समझने की कोशिश करो। हाँ हाँ, मैं इसका रिव्यू कर चुका हूँ, मेरे लॉयर ने भी किया है, मेरे पास सारे लीगल पेपर्स है और सब वैलिड है। तो अपने पापा के पास वापस जाओ और उन्हें मेरा हेलो बोलना। अब सॉरी वॉरी मत बोलना, ओके? जाओ। जरा फिर से कहना, क्या कहा तुमने? हाँ, एक सेकंड, रुक जाओ, रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ। सीजर, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे पता है कि तुम्हें इस सिचुएशन के बारे में कोई आईडिया नहीं है। मेरी बस अब एक ही प्रॉब्लम है और वो भी तुमसे, और इसका एक सलूशन भी है मेरे पास। अपनी गाड़ी में बैठो और निकलो यहाँ से। सुनो, अगर तुम हमारी बात नहीं सुनोगे तो हमें इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिलेगा। इसके लिए एक ऑफर है हमारे पास। तुमने इस जमीन की कीमत तो दे दी है, तो उस जमीन की कीमत के साथ तुम्हें और 75,000 वापस देंगे, क्या कहते हो? 30 लाख। तुमने इसे 8 लाख में खरीदा है ना, तुम्हें उससे बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, फायदे का सौदा है ये। वैसे तुम कौन हो, बताओगे जरा? मैं तो बस मेरा ब्रदर इन लॉ, मेरी बहन का फियांसे। ये लैंड इस वक्त सेल के लिए नहीं है, मिस्टर फियांसे। अगर ये लैंड तुम सचमुच में खरीदना चाहते हो तो एक काम करो, तुम यहाँ वापस आओ, मुझे 1 करोड़ पे करो, वो भी कैश में। अगर ऐसा हुआ तो ये लैंड तुम्हारा होगा, उससे पहले वापस मत आना। इससे अच्छा मैं मार डालूंगा तुम्हें। तुम समझते क्या हो अपने आप को? जरा देखो उसे क्या बोल रहा है। बात समझने की कोशिश करो। शुक्र है इस आदमी के पास थोड़ा दिमाग है, क्योंकि शायद ये अभी तक कोलोदाग का हिस्सा नहीं बना है। ये बात अभी खत्म नहीं हुई है। सब खत्म हो गया बच्चे, चलो कोरहान यहां से चलते हैं। नाज़ली,
ये तो मेरी बहन की घोड़ी है। अब ये मेरी है। पर ये यहाँ कैसे आई? यही तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। सुहान कोलुदागले, ये घोड़ा उसकी जान बचाने के लिए मिला है। क्या क्या हुआ सुहान को? मैंने पूछा नहीं तो उसने बताया नहीं। कुरहान, तुम्हें पता है क्या हुआ? अब जाओ यहाँ से। देखो, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे और भी काम है। प्लीज जाओ। मैंने पहले ही कर दिया। हेलो सुहान, सुहान क्या कह रही है? आज कुछ हुआ है क्या? बताओ मुझे क्या हुआ है, साफ साफ बताओ क्या हुआ है, क्या कह रही हो? ठीक है रुको, मेरी तरफ से सबको हाय बोलना। कहाँ है वो? जाओ, हम बस अभी आ रहे हैं। ठीक है, अब तो हमारे पास बहुत टाइम है ऐसी मीटिंग्स के लिए, मिलते ही रहेंगे। मैंने लैंड रजिस्ट्री के ऑफिस को कॉल किया है, उसने सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से देखने के लिए कहा है। वहाँ के ऑफिशियल्स जरूर कोई ना कोई रास्ता तो निकालेंगे ही इस डील को कैंसिल करने के लिए, देखते हैं। उस आदमी का वकील भी शामिल है, ये कैसे हो सकता है? मिस्टर नांची ये जरूर कर पाएंगे, है ना पापा? मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंट्स अब तक रजिस्टर भी नहीं हुए होंगे। आई होप हमें इससे ज्यादा नुकसान ना हो। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। वो कुछ नहीं कर पाएगा, आखिरकार हम लोग कोर्लू दाग हैं। आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि मैं उसका एहसान मंद हूँ कि उसने मेरी बेटी की जान बचाई। हाँ, आप सही कह रहे हैं। और इसके अलावा उसने हमारी जमीन खुद के पैसों से ली है, बिना ये जाने कि वो किसकी है। मैं सही कह रहा हूँ ना पापा? जरूर, उसे जानने की क्या जरूरत है कि एक गधा कि उसे ये जमीन बेचेगा। वैसे ये आपकी गलती है पापा, आपने मुझे अपने प्लान्स के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? चुप रहो, अपनी बीवी के सामने बेइज्जती मत करवाओ। तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे? मैं अपना बिजनेस खुद संभाल सकता हूँ। आप हार नहीं मानोगे ना? मैंने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, तुम टेंशन मत लो। उसने तो हमारी घोड़ी भी छीन ली है, क्या पता उसी ने नाजली को भड़काया होगा। हो सकता है ना, वो ऐसा कभी नहीं करती, और ऐसा बिना किसी वजह से क्यों करेगी? मैंने कहा ना, बाद में बात करेंगे। पापा बात तो सुनिए। रहने दो बेटा, मैं उन सब लोगों को सजा देता हूँ जिन्होंने मुझे धोखा दिया, चाहे वो कुत्ता हो, आदमी हो या घोड़ा, किसी को नहीं छोड़ता। तो ठीक है, ठीक है, नाजली उसके साथ वहाँ रह सकती है, पर प्लीज आप उसे मत मारिए पापा, प्लीज, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। क्या कहा? पापा आप मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते। मैं खाना खाने बाहर जा रहा हूँ। पर पापा हमने आपकी सारी फेवरेट चीजें बनाई हैं आज। अच्छा, तुम ही खा लेना। ओहो। इस तरह घर का खाना छोड़ के कहाँ जा सकते हैं? वो डिनर से पहले स्टार्टर्स खाने जा रहे हैं शायद। कोरहान। अच्छा, अब तुम भी पापा की तरह मुझसे आंख दिखाकर बात करोगी? छोड़ दो ये आदत, तुम इसी लायक हो। सुहान, कोई बात नहीं। उसका कहना है कि वो इस जमीन का मालिक है। हाँ, काफी ढीठ, पर वो है कौन? इस शहर का तो नहीं लगता। तुम ये सब रहने दो, ये लो इन पेस्ट्रीज को ऊपर ले जाओ। हाँ ठीक है। क्या मैं आपकी कोई मदद करूं? नहीं, खाना बस बन ही गया है और पेस्ट्रीज भी आ ही रही हैं। नहीं आंटी, आराम से बनाइए, कोई जल्दी नहीं है। ये तो मेरा फेवरेट है। हाँ मालूम है। शरीन, मुझे माफ कर दो। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है।
ओह कम ऑन शरीन, ऐसा मत करो। तुम एक दिन मेरे साथ अच्छी रहती हो, दूसरे दिन बुरी। मैं अब तुम्हारे इस बिहेवियर से थक चुकी हूँ। शरीन, अपना मन बना लो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ या आपकी नौकरानी। चुप करो। ऑफ कोर्स तुम मेरी दोस्त हो। हाँ हाँ, जब तुम चाहो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, नहीं तो। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, तुम मेरी बहन जैसी हो, सबसे क्लोज। तुम हमेशा ऐसा ही करती हो। पर तुमने मुझे बहुत परेशान किया। हाँ मैं जानती हूँ, मुझे माफ कर दो। तुम दोनों ही पागल हो। वो नाज़ली को भी ले गया क्या, ये सच है? मैं तो तुमसे कह ही रही थी वो तुम्हारा हीरो है। ये कभी सुधरने वाली नहीं है। सही कह रही हो। लगता है इसकी जल्द से जल्द शादी करानी पड़ेगी, तभी इसे समझ आएगा। तभी भी नहीं आएगा। वाह क्या खुशबू आ रही है। सिरीन पहले चाय देखो दो। चलो तहसीन कोडलुदाग के बिना ही हम उनके आने का सेलिब्रेशन करते हैं। अब सब ठीक है ना? तुमने तो कहा था कि मैं वो सब ना सोचूं, तो मैं रिलैक्स हो गया। सोहन, तुम्हारे हाथ पर तो बहुत चोट आई है। हाँ सच में, उसने तुम्हें इतनी जोर से जो पकड़ा होगा। हाँ पांचों उंगलियों के निशान दिख रहे हैं। चलो तुम सही सलामत हमारे साथ जाओ। ऊपर वाला उसका भला करे। और कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देना। एक्चुअली ये आदमी कल आने वाले हैं, तो कंस्ट्रक्शन भी कल से ही शुरू होगा, तो परेशान मत हो, सब ठीक है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ सर? हाँ हाँ मुझे याद है, मैं कल पार्टी में आ जाऊंगा। ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हो रहा है। तुम जानती तो हो तुम्हारे लिए मैं कहीं भी आ सकता हूँ, है ना? हाँ मैंने एक फोटो फ्रेम भी लिया है। उसे दीवार पर लगाएंगे। मैं बाद में बात करता हूँ। तुमने उस पहाड़ी पर जमीन खरीदी है ना? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? सब यहाँ एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, और मैंने आपकी बातें सुनी तो मैं सब समझ गई। ओह अच्छा। Congratulations. Thank you so much. वैसे मेरा नाम सीजर है। मेरा नाम नेकला है और मैं अदालत फार्मेसी में काम करती हूँ। कभी आइएगा अगर बीमार ना हो तो। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर आऊंगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मतलब मुझे भी। सर रिसीट या इनवॉइस? इनवॉइस प्लीज। लगता है यहाँ हर चीज कोलोदाग की है। कोलोदाग यहाँ के मालिक हैं। तहसीन कोलोदाग यहाँ सब चीज के ओनर है। पता नहीं आज की मीटिंग के बाद मुझे उन्हें क्या कहना है। वो आने वाले हैं भी या नहीं? तुमने सुना नहीं पापा ने क्या कहा? जो करना है करो, मतलब उनकी हाँ है। हाँ वो मैंने सुना, पर शायद उनके कहने का मतलब ये नहीं था। क्या तुम कोलोदाग में से एक हो? सुहान तुम अपने पापा से एक बार बात कर लो और फिर मैं उन लोगों को ईमेल भेज दूंगा। किसकी बात कर रहे हो? ओहो सुहान, तुम कौन से ख्यालों में खोई थी? सॉरी मैं कुछ और सोच रही थी। तुम उन ऑस्ट्रियंस की बात कर रहे हो? सुनो तुम बहुत थक गई होगी और हम यहाँ बिजनेस की बात कर रहे हैं। सुहान तुम कल पापा से बात कर लेना, फिर हम उनको जवाब दे देंगे। हाँ मैं कर लूंगी। जरूर थक गई होगी, आज मरते मरते जो बची है बेचारी। हाँ हम उस आदमी के बहुत शुक्रगुजार हैं। बस अब इस बारे में और बात नहीं करेंगे। बुलंद क्या तुम भी पहाड़ की तरफ अपनी कार ले जाते जैसे उस आदमी ने किया? मैं चाहता नहीं कि ऐसा हो, पर अगर ऐसा होता तो मैं किसी भी कीमत पर सुहान को बचाता। क्या तुम मेरे लिए ऐसा करते जानू? ऑफ कोर्स माय लाइफ। झूठे कहीं के, तुम अपना हाथ कार के विंडो के बाहर भी नहीं निकालते, और तुम ऐसे स्टेयरिंग व्हील को पकड़ के खड़े होकर घोड़े पे चढ़ जाओगे और मेरी जान बचाओगे। चाहे दे, तुम ये सब कैसे जानती हो? मुझे कैसे पता होगा, मैंने तुमसे ही सुना था।
तुमने ही कहा था कि उसने पहाड़ की तरफ अपनी कार चलाई और फिर वो घोड़े पे कूद गया, इसलिए मैंने वैसा सोचा। पर सच में ऐसा ही हुआ था ना? सुहान, तुम बहुत थक गई हो, अब जरा आराम करो, मैं तुम्हें कल हॉस्पिटल ले जाऊंगा। उसकी जरूरत नहीं है, मैं कल खुद ही काम के बाद चली जाऊंगी। तुम कितने बजे जाने वाली हो? पता नहीं, उसके बारे में कल देखते हैं। मॉम का मैसेज है, वो फिर से अकेला फील कर रही है, मुझे लगता है मुझे अब निकलना होगा। क्या तुम निकल रहे हो? हाँ। अपनी मॉम को मेरा हाय कहना। हाँ जरूर, टेक केयर, गुड नाइट। अपनी मॉम को मेरे रिगार्ड्स देना।